हेलो वीवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे बताए हुए टिप्स आपको तुरंत मिल जाए, और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पेट की गैस यानी कि एसिडिटी की समस्या का घरेलू इलाज। दोस्तों, गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान है तो ये टिप्स फॉलो करें। इन टिप्स को फॉलो करने से गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। दोस्तों, आजकल की जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल और खानपान की गलत आदतों के कारण इंसान के शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। गैस की समस्या ऐसी ही एक बीमारी है। आजकल हर तीसरा व्यक्ति गैस की बीमारी से परेशान रहता है। जो लोग भोजन में चटपटा, तला, मिर्च मसालेदार, खट्टा, नींबू, संतरा आदि का सेवन अधिक करते हैं, उन लोगों को ये समस्या जल्दी होती हैं। इनके अलावा जो लोग चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, शराब का अधिक सेवन करते हैं, वो भी इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तनावग्रस्त रहने वाले लोगों को भी गैस की समस्या यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अधिक होती हैं। आज हम आपको गैस या फिर एसिडिटी के लक्षण और इसके निवारण के बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं एसिडिटी के लक्षण क्या है यानी कि सिम्टम्स ऑफ हाइपर एसिडिटी। सबसे पहला है अचानक घबराहट होना, सांस लेने में दिक्कत होना, पेट में दर्द या फिर जलन, पेट का फूलना, मुंह में खट्टा पानी आना, गले में जलन, उल्टी आना, भूख ना लगना, खट्टी डकारें आना और साथ ही छाती में जलन आदि। दोस्तों, भोजन को अच्छे से चबाकर खाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाने का छोटा छोटा बाइट लें और उसे पूरी तरह से चबाकर खाएं। बिना चबाए और बड़ा टुकड़ा खाने से पेट में गैस बनती हैं। अच्छी तरह चबाकर खाने से पाचन यानी कि डाइजेशन अच्छा होता है, जिससे कि एसिडिटी होने का खतरा भी कम हो जाता है। भूख लगने पर भोजन ज़रूर करें। बहुत बार ऐसा होता है कि काम की वजह से या फिर सफ़र करने की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से भूख लगने पर भी खाना नहीं खा पाते हैं। खाली पेट होने से पेट में गैस बनने लगता है, इसीलिए पेट को कभी भी खाली ना रखें। यदि भोजन नहीं कर रहे हैं तो अधिक से अधिक पानी पिएं। आपका पेट भरा होगा तो गैस नहीं बनेगा। खूब पानी पिएं। दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी पीने से पेट की खाली जगह भर जाती हैं, इसीलिए पेट में गैस नहीं बनती हैं। सुबह खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी पीने से पेट साफ हो जाता है और एसिडिटी की समस्या कम हो जाती हैं। रोज़ाना ताज़ा नारियल का पानी यानी कि कोकोनट वाटर पीने से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। पेट में संबंधित बीमारियाँ जैसे कि गैस, बदहजमी, कब्ज आदि में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। दोस्तों, हर्बल चीज़ें खाएं। ऐसी कई हर्बल चीज़ें हैं जिसे आप खा सकते हैं, जैसे कि लौंग, सौंफ, इलायची आदि। इसे यदि गर्म पानी के साथ खाया जाए तो पेट में गैस नहीं बनती हैं। अगर पेट में गैस बन रहा है तो दूध वाला चाय या फिर कॉफ़ी पीने से ये और भी बच जाएगा, इसीलिए इसकी जगह आप हर्बल चाय का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रीन टी, लेमन टी बिना दूध, नींबू की चाय, जिंजर टी बिना दूध के अदरक की चाय। आमतौर पर हर्बल चाय पेट के लिए लाभदायक होता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। सोडा और जूस ना पिएं। हम सोचते हैं कि सोडा पीने से पेट की गैस और दर्द गायब हो जाएगा, लेकिन सोडे में मिला कार्बोहाइड्रेट और जूस में मिली चीनी गैस को बढ़ा देती हैं, इसीलिए आप इसका सेवन ना करें। साथ ही मसालेदार, स्पाइसी और तला भुना यानी कि फ्राइड रोस्ट बाहर का भोजन करने से बचें। टहलने के लिए ज़रूर जाएं। दोस्तों, भोजन करने के बाद हल्की वॉक करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपकी दिनचर्या में व्यायाम या फिर योगा शामिल है तो आपको गैस की समस्या कम होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ मजबूत होगा। व्यायाम या फिर योगा अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। यदि इसे नहीं कर सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक ज़रूर करें। इससे खाना आसानी से हजम होगा और आपको गैस नहीं बनेगी।
ऐसा करने से वजन भी कम होता है। स्मोकिंग को छोड़ दें। स्मोकिंग से न केवल डिहाइड्रेशन होता है बल्कि पेट में गैस भी बन जाती हैं। आपके खाने का समय, सोने और उठने का समय ठीक होना चाहिए। इससे पेट संबंधित समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। एसिडिटी होने पर रात को सोते समय एक ग्लास गुनगुना दूध पीकर सोएं। दोस्तों, अधिक पानी वाले फलों यानी कि फ्रूट्स जैसे कि तरबूज और खीरा यानी कि ककड़ी का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। पुदीने की ताज़ी पत्तियों को पानी में उबालकर पीने से भी गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। एसिडिटी के कारण पेट में होने वाली जलन से बचने के लिए अदरक और नींबू के रस में शहद मिलाकर रोज़ाना सेवन करिए। लहसुन में पेट की आग को बुझाने के गुण होते हैं जिससे कि गैस बननी बंद हो जाती हैं। लहसुन का सूप गैस कम करने और हमारे हाजमे को सही करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए पिसे हुए लहसुन को उबालकर उबलते पानी में भी मिलाया जा सकता है। इसमें काली मिर्च और जीरा भी डालें। इसे छानकर हल्का गर्म रहते हुए इसे पी लें। इससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। नींबू का रस। एक नींबू निचोड़े तथा इससे रस निकाल लें। इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा तथा एक कप पानी मिश्रित करें। इसे तब तक हिलाएं जब तक कि बेकिंग सोडा पानी में अच्छे से घुल ना जाए। इसे पी लें तथा गैस की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको तुरंत राहत चाहिए तो बेकिंग सोडा का मिक्सन पानी में करें तथा सुबह इसका सेवन खाली पेट में करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। एसिडिटी को दूर करने के लिए सेब के सिरके यानी कि एप्पल विनेगर में पानी मिलाकर पिएं। दोस्तों, पेट में गैस का इलाज के लिए 2 या फिर 3 दिन उपवास करें। इससे पेट साफ और हल्का हो जाएगा और गैस नहीं बनेगी। गैस की समस्या पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी की वजह से होती हैं। एक बार काली मिर्च का सेवन करने पर पेट में हाजमे की समस्या दूर हो जाती हैं। गैस्ट्रिक का इलाज। आप इस समस्या को दूर करने के लिए दूध में काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं। दोस्तों, हींग यानी कि एसाफोटिडा को गर्म पानी में मिलाकर पी जाएं। हींग पेट से जुड़ी अनेक बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी हींग का सेवन करें और गैस जैसी गंभीर बीमारी से दूर रहें। आपको और भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।